अगर वीडियो साफ़ नहीं है तो मेहरबानी करके क्वालिटी को बढ़ाएं, आपको रीडिंग करने में आसानी होगी। ब्रेक इट टीयर, जिसका माना है आंसू निकल आना, किसी भी वजह से, किसी भी इमोशन की वजह से, किसी भी गम के वजह से जब आंसू निकल आए तो ब्रेक इट टीयर्स। यहाँ पर नंबर वन है ईटिंग डिनर ऑलमोस्ट मेड मी ब्रेक इन द टीयर्स। ओहो, ज़रूर मिर्ची होंगे इसलिए। खैर, सेकंड नंबर पे आते हैं, बट द ट्रुथ इज आई ब्रोक इन द टीयर, वेरी सैड। यहाँ भी हकीकत ही है कि आंसू निकल आए इनके। खैर, थर्ड नंबर पे है आफ्टर बीइंग डिफीटेड द मॉस्किटो ब्रेक इन द टीयर। कम इन्हें ब्रेक करें, रोए इनको तो रोना ही चाहिए। मेजॉरिटी में ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रेक इन द टीयर्स का क्या माना है, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जा सकता है। ईजीली यूजेज भी बहुत ज़रूरी है। फोर्टीन नंबर पर है कि आई फाउंड दिस वेबसाइट एंड व्हेन आई रेड दैट आई ऑनेस्टली ब्रोक इन द टीयर्स, वेरी सैड। कोई गम ज़्यादा स्टोरी सुनेंगे तो ज़रूर ब्रोक इन द टीयर्स। यहाँ पर सारी गम के दास्तान हैं, किसकी दास्तान को सुनें, किसकी दास्तान को समझें, इसलिए हम चलते हैं वन बाय वन। ये जो 40 सेंटेंसेस हैं आपको दिखाते चलते हैं, सारे गम की दास्तान देखें, ब्रेक इन द टीयर्स देखें किस तरह यूज़ है और मीनिंग किस तरह है। ज़िंदगी में आप भी कभी ना तो कभी ब्रेक इन द टीयर्स हुआ होंगे, मैं भी हुआ हूँ, कोई बात नहीं है। उम्मीद और दुआएं यही हैं कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि अब तक ये जो हैं ये सारे 40 सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताएं, ताकि उस कन्फ्यूजन को आसानी से हल किया जाए और आपको समझाया जाए, बताया जाए। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।